चलिए, गुड मॉर्निंग साथियों। और आज का जो लेक्चर है वो यूनिफॉर्म फ्लो पे है। तो ये यूनिफॉर्म फ्लो की बात इस बीच में कहां से आ गई भाई? आपको याद हो तो यूनिफॉर्म फ्लो जो है उसकी डेफिनेशन हमने बहुत ही शुरू में पढ़ ली थी। और वो डेफिनेशन थी कि एट एवरी पॉइंट the velocity vector is identical in magnitude and direction at any given instant. क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ कि भाई जो फ्लो हो रहा है उसमें जो भी वेलोसिटी वेक्टर है उस वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन लगातार किसी भी इंस्टेंट पे उसका जो डायरेक्शन है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो वही वही बना रहेगा, आइडेंटिकल बना रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर, तो हम कहेंगे कि वो एक यूनिफॉर्म फ्लो है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फ्लो जो है, अब उसको थोड़ा सा इसी यूनिफॉर्म फ्लो को हम मैथमेटिकली देखने और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या चीज है। नाउ यूनिफॉर्म फ्लो, जब मैंने बोली दिया कि इट शुड बी अ पॉइंट इफ एवरी पॉइंट इन द वेलोसिटी वेक्टर इज आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर ऐसा नहीं है तो वो यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि कुछ फ्लो यूं जा रहा है, कुछ फ्लो यूं जा रहा है, कुछ फ्लो यूं जा रहा है, दैट इज नॉट अ यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो मतलब सारा फ्लो बिल्कुल एक साथ चल रहा है। ठीक है, तो चलिए भैया देखते हैं कि किस तरीके से ये काम आता है। तो सबसे पहले मैं इसको, इस पूरे फ्लो को, सबसे पहली बात, जब भी हम फ्लो की बात करते हैं, फ्लूइड फ्लो की बात करते हैं, तो देयर मस्ट बी एन कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, और वी शुड से देयर एग्जिस्ट सम वेलोसिटी पोटेंशियल। व्हाट इज द पेन? यस, सो तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मैंने यहां पर मान लिया। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मैंने माना W इज इक्वल टू, या W प्रोपोर्शनल टू Z। मैंने कहा कि W जो होगा इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू Z, इस तरीके से प्रोपोर्शनल होगा कि W जो है वो ए Z के बराबर होगा, जहां आयोटा ए Z के बराबर होगा, जहां ये आयोटा A जो है इट इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज इमेजिनरी कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, A इज नॉट इमेजिनरी, A इज रियल। ठीक है, इसको इमेजिनरी बनाने के लिए मैंने इसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया। सो मैंने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इस तरीके का माना है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू दी जेड विद इमेजिनरी कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो व्हाट आई हैव डब्ल्यू इज इक्वल टू आयोटा ए जेड। इसका मतलब डब्ल्यू इज इक्वल, डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है, इसलिए वो यू प्लस आयोटा वी है, कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी है, तो यू प्लस आयोटा वी इज इक्वल टू आयोटा ए जेड। इज दैट ओके? Now, अब मैं यदि dW by dZ करता हूं, तो हमने पिछले आर्टिकल में देखा था कि हमने dW by dZ जब किया था तो what we got? We got minus u plus iota v sum। तो minus u plus iota v हमारे पास आ गया, और वो हो गया, इसको मैंने differentiate किया with respect to the z, तो ये आया iota a, और मैंने इन दोनों को फिर compare कर लिया, compare किया तो u is equal to zero आया, v is equal to constant आया। ठीक है, यानी कि u मतलब जो x direction में velocity है ये वो zero हो गई, और v मतलब जो y direction में velocity है v वो a हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई। तो ये जो वेलोसिटी है यहां पर अगर हम देखें तो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज कॉन्स्टेंट। तो किसी भी इंस्टेंट पे ये जो वेलोसिटी है ये कॉन्स्टेंट है, यानी कि मैं इस जगह ले लूं, चाहे इस जगह ले लूं, चाहे इस जगह ले लूं, चाहे इस जगह ले लूं, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब यह हुआ कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर सच फ्लो हुज मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रीम इज वी, यहां का डायरेक्शन क्या है? वी, या इसका मैग्नीट्यूड कह लें हम, या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में है, वाई के डायरेक्शन में है, वेलोसिटी जो है वो वाई के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है सिर्फ, एंड दिस हैज द मैग्नीट्यूड इज वी एंड इट इज इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, देन वी मस्ट से दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू
आयोटा ए जेड क्या हुआ, देखिए ध्यान से, आयोटा वी जेड, ए इज इक्वल टू वी, ठीक। तो ये जो है ये मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इज दैट ओके। इसी तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहूं, तो जनरलाइज अगर करूंगा तो मैं ये कहता हूं कि मैंने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जो है वो माना, उसमें कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल अगेन वापस से क्या है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू जेड, इट्स ऑल राइट। लेकिन अब जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना, वो मैंने लिया माइनस ए ई टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा, यानी कॉम्प्लेक्स लिया है। पिछली बार मैंने क्या लिया था, सिर्फ इमेजनरी लिया था। तो अब जब मैं इसको एडवांस कर रहा हूं इस चीज को, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं सिर्फ रियल नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इमेजनरी नहीं लूंगा, बल्कि मैं एक कॉम्प्लेक्स राशि लूंगा, ठीक है, यानी अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप की चीज लूंगा मैं। तो वो चीज मैंने ली माइनस ए टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा, ये मैंने ले ली, वेयर ए एंड अल्फा, ये ए जो है ये भी, चाहे मैं इस ए की बात करूं चाहे मैं इस अल्फा की बात करूं, ये दोनों जो है ये तो रियल है, लेकिन इनसे बनने वाला ये जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज कॉम्प्लेक्स। नाउ डब्ल्यू बाई डी जेड, वैसे ही मैं डब्ल्यू बाई डी जेड निकालूंगा, आई विल गेट माइनस यू प्लस आयोटा वी, और यहां पर मैंने किया इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट, तो ये आया माइनस ए ई टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा। इसको मैंने ई टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा को मैंने खोला, तो ये आया कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये हम अच्छे से जानते हैं। और मैं जब मैं माइनस यू प्लस आयोटा वी को इसके साथ कंपेयर करूंगा, तो रियल पार्ट अलग कंपेयर करूंगा, इमेजिनरी पार्ट अलग से कंपेयर करूंगा, सो आई विल गेट यू इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा एंड वी इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, इज दैट ओके। नाउ इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो यूनिफॉर्म फ्लो है ना, उसका भैया उसका तो एक यू कंपोनेंट भी है और एक वी कंपोनेंट भी है, ठीक है ना। और ये कंपोनेंट आया कहां से, ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा, यानी उसका मैग्नीट्यूड तो यहां से आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर करूंगा तो क्या आने वाला है, देखिए यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर करूंगा तो क्या आने वाला है, ए स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी ए, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड तो ए आने वाला है। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन नेचुरल डायरेक्शन अल्फा है, उसका डायरेक्शन अल्फा है। तो देखिए मैं इसको इस तरीके से मैं इसको फिगर आउट करता हूं, तो ये ए मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन अल्फा है विद रेस्पेक्ट टू दी एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डायरेक्शन मैंने यू इज इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉस अल्फा, यानी इस ए का इस पर प्रक्षेप, ठीक है। सिमिलरली जो वी हो गया, ये अगर मैं इस डायरेक्शन में निकालने की बात करूं तो वो क्या हो गया, वी इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, राइट। नाउ तो क्लियर कट भैया दो हिस्से आ गए मेरे पास यूनिफॉर्म फ्लो, अगर यहां पर ये यूनिफॉर्म फ्लो की तरह है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और ये यूनिफॉर्म फ्लो इस तरीके का है कि इसका यू कंपोनेंट जो है वो ए कॉस अल्फा है, वी कंपोनेंट जो है वो ए साइन अल्फा है। इसका मतलब द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर सच फ्लो हुज मैग्नीट्यूड इज वी, या अगेन अगर मैग्नीट्यूड वी में मांग के चलता हूं, इसका मैग्नीट्यूड वी है, तो व्हाट वी गॉट दिस थिंग, ठीक है। और पर्टिकुलर केस अगर मैं लेता हूं, तो पर्टिकुलर केस क्या कह रहा है मेरे को वापस से, यदि मैं अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय टू लेता हूं, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय टू लेता हूं, तो मेरे पास वापस से डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस आयोटा वी जेड, ये आता है। तो पहला वाला केस बन गया, ठीक है ना। और अगर अल्फा इज इक्वल टू जीरो ले लेता हूं, तो मेरे पास कुछ और चीज आती है, जिससे कि मेरा जो यूनिफॉर्म फ्लो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बन के रह जाता है, ठीक है।
तो ये यूनिफॉर्म फ्लो का एक मैथमेटिकल जिसे कहें लर्निंग है अपनी। यूनिफॉर्म फ्लो की डेफिनेशन तो हमने पहले भी पढ़ ली थी, लेकिन ये एक तरह से यूनिफॉर्म फ्लो की मैथमेटिकल लर्निंग है हमारे लिए। तो भाई ये जो चीज है यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में जाना हमने, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें चलिए देखता हूं अपने को क्या पढ़ना होगा। हाँ यस ठीक है, अब हम चूंकि टू डायमेंशनल फ्लो के बारे में पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो सोर्स और सिंक के बारे में हम पढ़ेंगे। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर टू बी डिलीवर्ड, स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट।